पिन नंबर बताओ बच्चा और कार्ड कल ले जाना। बाबा जी, इस मंथ एंड सेल्स की क्लोजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। बॉस कहता है मैं नरक में जाऊंगा, कुछ उपाय बताइए। नोटबंदी के बाद सबका यही हाल है बच्चा। मंथ एंड क्लोजिंग तो बाबा की भी सही नहीं हुई, पर नरक के बजाय स्वर्ग जाने के उपाय हैं हमारे पास। हैं? बताइए ना बाबा। उपाय नंबर एक बच्चा, ऐसे ऐसे घटिया और घिनौने काम करो कि तुम्हें नरक में भी जगह ना मिले। आखिरकार थक हार के तुम्हें स्वर्ग में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। उपाय नंबर दो बच्चा, वेरी हाई स्पीड पर रैश ड्राइविंग करें। पर बाबा जी, इससे स्वर्ग कैसे मिलेगा? जब तुम्हारी गाड़ी में बैठे हुए लोग और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग तुम्हारी ड्राइविंग से डर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो बच्चा उस सब के फल की प्राप्ति तुम्ही को होगी और तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। उपाय नंबर तीन, सब काम का त्याग के सारा दिन आलस्य में पड़े रहें। इस अवस्था में मन बहुत शांत रहता है, इसी को मेडिटेशन कहा गया है, और यकीनन इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब उपाय नंबर चार, सब पराई बहू बेटी को बुरी नजर से ही देखें। ये क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चा, तभी तो तुम उर्वशी मेनका जैसी अप्सराओं को हैंडल करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे और स्वर्ग के द्वार तो वही खोलेंगी तुम्हारे लिए। उपाय नंबर पांच, अपनी सारी ऊर्जा रिश्वतखोरी और करप्शन में लगा दो। जिन रिश्वत देने वालों का काला धन सफेद करोगे उनकी दुआएं मिलेंगी, और तो और जिनके घर करप्शन से चलते हैं उनकी और उनके परिवार वालों की सबकी दुआएं तुम्हें ही मिलेंगी। इतनी दुआओं से तो स्वर्ग प्राप्ति अवश्य होगी। उपाय नंबर छः, खूब लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौच बुरा भला करे और किसी का अच्छा ना सोचे ना किसी की भलाई करे। जितने ज्यादा लोगों को सताओगे उतने ही ज्यादा लोग आपके स्वर्गवासी होने की दुआएं मांगेंगे। उपाय नंबर सात, वातावरण इतना प्रदूषित करते हैं कि धरती स्वयं नरक बन जाए, तो उसके बाद मरने के बाद जहां भी जाओगे कंपैरेटिवली तो स्वर्ग का एहसास ही होगा ना बच्चा। उपाय नंबर आठ, किसी भी समय शराब के सेवन से संकोच ना करें, खुल के पिए। वैसे भी चार पैक के बाद तो हर जगह स्वर्ग हो जाता है। उपाय नंबर नौ, माता पिता की सेवा कतई ना करें। बाबा जी, होश में तो हो। बच्चा शांत, इससे तुम्हारे माता पिता को उनके सबसे बड़े दुष्कर्म यानी तुम्हें पैदा करने का फल यही मिल जाएगा और वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और ऐसा करने से तुम्हारे खानदान के नाम की एक नहीं दो दो सीटें स्वर्ग में वेकेंट हो जाएंगी। तुम्हारा जुगाड़ तो हो गया बच्चा। आखिरी उपाय, व्हाट्सएप पर दबा के झूठ बोलने और अफवाहें फैलाएं। इससे भोली जनता बहुत जल्द प्रसन्न होती है और प्रभु इस भोली जनता के मन में ही तो बसते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार स्वयं खुल जाएंगे बच्चा। बाबा जी, यदि तब भी स्वर्ग की प्राप्ति न हुई तो क्या करूंगा? तो पुत्र, फिर तो ब्रह्मास्त्र उपाय ही काम आएगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए। वो क्या बाबा जी? वत्स, कभी शादी मत करना। और जो लोग ये सब कठिन उपाय नहीं करना चाहते हैं वो केवल इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दो और मित्रों को सब्सक्राइब करवाएं। इससे स्वर्ग में उनके नाम की सीट निश्चित ही बुक हो जाएगी, वो भी बिजनेस क्लास में।